हेलो गाइस, आई एम हिमांशु सारस्वत फ्रॉम ट्रिपल आई टी श्री सिटी एंड इट्स सिचुएटेड इन द आंध्र प्रदेश एंड आई एम फ्रॉम द ग्वालियर मध्य प्रदेश। टुडे वी विल सी द कॉनिक सेक्शन, जो जैसे हम कॉनिक सेक्शन एंड एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और थोड़ा बहुत इसके जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज हम रीड करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका नाम कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन मतलब एक, आप क्या सोचते हैं जब कॉनिक सेक्शन आपके माइंड में आता है, कॉनिक नेम, तो आप आपके माइंड में सीधा कौन आता होगा? एक चीज लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, एक कौन है आपके माइंड में। तो इस कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको काट कर अलग अलग तरीके के शेप बनाए जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक कौन है ये वाला, तो ये कौन है, ये इसका एक्सेस है, ये इसका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और ये इस एक्सेस से अल्फा एंगल बना रहा है, और ये अपर नेप है और ये लोअर नेप है। तो इसको हम जब इस तरीके से काटते हैं, अलग अलग तरीके से, जैसे इसको इस तरह काटा गया है, तो ये इस प्लेन के साथ बीटा एंगल बना रहा है और ये इस कोण के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये प्लेन जब काटता है तो ये अलग अलग शेप बनाता है। जैसे मैं आप बताना चाहूंगा, ये कुछ शेप्स हैं। जैसे इस कोण को हमने ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टली काटा, एकदम हॉरिजॉन्टली काटा, तो वो ये एक तरह से एक सर्कल बना। इसको अपन ऐसे बाहर लेके आए अगर, तो ये एकदम सर्कल होगा, एकदम सर्कल। अगर आप अल्फा और इक्वल टू बीटा करोगे तो एकदम सर्कल होगा ये। अगर इसको थोड़ा सा टिल्टेड लगोगे, जैसे इसमें थोड़ा सा टिल्टेड लिया गया है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है एक साइड के लिए, तो ये थोड़ा सा इलिप्स टाइप का होगा। जैसे कि मैं इसको बाहर लेके आऊं, ये थोड़ा सा झुका हुआ होगा बीच से, जैसे एक इलिप्स होता है। और अगर इस प्लेन को इस तरीके से काटा जाए, जिससे ये एक प्लेन मतलब एक तरह के काटे, एक ही तरह काटे, ऊपर का प्लेन खाली जाए, दूसरी साइड ना कटे, एक साइड ही कटे, तो ये कुछ इस टाइप का कटेगा। जब आप इसको काट के देखोगे तो ये इस टाइप का कटेगा कुछ। और जब हम इसको इस तरह काटते हैं जिससे ऊपर वाला भी प्लेन, अपर नेप भी कट जाए और नेप लोअर नेप भी कट जाए, बट उसकी अपोजिट साइड ना कटे, तो ये एक हाइपरबोला की तरह होगा। ऐसे एक हाइपरबोला ऐसा होता है, ये हाइपरबोला की तरह कटेगा। तो आज हम सर्कल के बारे में रीड करें। सर्कल, जब आप सर्कल को सुनते हैं, जैसे सर्कल क्या है, तो आपके माइंड में आता होगा कि एक गोला है बस। इसके बारे में और आपने अच्छे से तरह से पढ़ा होगा, तो इसमें एक सेंटर होता है, जैसे एक ये सेंटर है, और एक इसकी रेडियस होती है, ये इसकी रेडियस है। तो आपने इस और अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि एक ऐसा डिजाइन या शेप जो एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस डिस्टेंट बनाकर चले, या फिर ऐसे कह सकते हैं ऐसे पॉइंट का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। जैसे ये वाला आर डिस्टेंस पे है, जैसे मैं इसमें समझाता हूँ क्योंकि मेरा डायग्राम तो सही, ये वाला पॉइंट एक आर डिस्टेंस पे है, ये वाला भी एकदम आर डिस्टेंस पे ही होगा, ये इधर भी कोई पॉइंट लेंगे तो ये भी आर डिस्टेंस पे ही होगा, ये वाला भी पॉइंट आर डिस्टेंस पे ही होगा, ये वाला भी पॉइंट आर डिस्टेंस पे होगा। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसे सेंटर कहते हैं, बाय द वे अपन जिसे हम सेंटर कहते हैं, उससे इक्विडिस्टेंट हो, और वो जो डिस्टेंट होगी, सभी डिस्टेंस होगी सभी अलग अलग पॉइंट्स की, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो होगी उसकी रेडियस। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा गया है कि सेंटर है, ये रेडियस है, और सब पॉइंट को एक इक्विडिस्टेंट तरीके से मतलब समान एक ही डिस्टेंस है इन दोनों सबकी पॉइंट की। यहाँ से इसको देखेंगे ये भी आर निकलेगा, यहाँ से देखेंगे ये भी आर, सब तरह से सब डायरेक्शन में एक आर ही होगा, तो इसको हम एक सर्कल बोलेंगे। सर्कल और भी थोड़ा सा और देखते हैं इस सर्कल में, तो सर्कल को हम चार तरीके से मतलब चार तरीके के सर्कल हो सकते हैं, चारों अलग 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 क्वाड्रेंट्स में।
एक इधर क्वाड्रेंट में बना लो, इधर क्वाड्रेंट में बना लो, इधर क्वाड्रेंट में बना लो, इधर क्वाड्रेंट में बना लो। कुछ सर्कल ऐसे होंगे जिनका जो सेंटर होगा वो ओरिजन होगा। इसकी सब मतलब इसकी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल होती है। कुछ सिंपल कुछ ऐसे सर्कल होंगे जो ओरिजन से पास करेंगे, जैसे इस तरह के सर्कल। इसी को चारों क्वाड्रेंट में लेके जा सकते हैं अपन। तो ऐसा हम आगे देख लें तो अभी तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं अलग अलग डिजाइन की। जैसे जैसे हम इसको सर्कल को लें तो इसमें बीटा इक्वल टू मतलब अगर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, जैसे ये जो था अपना कोण, उसमें इस बीटा को 90 डिग्री ले लिया गया। ये अल्फा होता है और जो बीटा था ये ऐसा इसके साथ जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री ले लिया, तो ये एक सर्कल हो जाएगा। तो आगे अपन देखेंगे जैसे अगर बीटा की रेंज जो है, जैसे इसमें दे रखा है जो बीटा की रेंज है, इस यहाँ पर बीटा की जो रेंज है मतलब अल्फा ग्रेटर बीटा, मतलब अल्फा से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, तो ये एक इलिप्स बनाएगा। जैसे एक इलिप्स बना लेगा अगर, और इसको मान है जैसे एक इलिप्स का मैं एक उदाहरण भी ले सकता हूँ, एक परफेक्ट इलिप्स है। तो इसमें ऐसा हुआ होगा कि जब इसका बीटा जो है अल्फा से बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल है जिसमें बीटा और अल्फा दोनों सेम है, बीटा इक्वल टू अल्फा है, दोनों सेम है, तो ये ऐसा हो जाएगा, एक पैराबोला बन जाएगा। और इसको अच्छा से देखें, अगर ये बीटा जो है 0 से अल्फा के रेंज में हो, मतलब ये बीटा है और 0 से बड़ा हो बट अल्फा से छोटा हो, तो ये एक हाइपरबोला बना लेगा। हाइपरबोला मीन्स एक ऐसा डिजाइन जो एक डायरेक्ट्रिक्स से सेम डायरेक्ट मतलब सेम डिस्टेंस पे हो और इसका एक अलग अलग पर्टिकुलर दोनों के घटक भी होते हैं। ओके तो जैसा हमने और देखें इसको जरा, अब अपन एकदम पर्टिकुलर सर्कल पे आ जाते हैं। जैसे ये जो इसकी सर्कल की डेफिनेशन थी जो मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले, कि अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो ये ऐसा है, ओके द फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सॉरी सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसा मैंने बताया, आज हम थोड़ा सा सर्कल पढ़ेंगे ज्यादा। तो इसमें ये इसका सेंटर है सी, ये इसकी डिस्टेंस है आर। ओके इसका कुछ एग्जांपल भी थे। हाँ अब आते हैं मेन चीज, सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन एक नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं अपन सर्कल की इक्वेशन। एक स्टैंडर्ड तरीका है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसा कि इसमें ये इधर है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें मैं बता दूं जो एच होता है वो, और एच और के जो होता है, जैसे इसका सेंटर जो होगा वो एच और के ही होगा। अगर इसका सेंटर एच और के है तो ये इसकी इक्वेशन है। और हाँ की डिस्ट रेडियस आर होगी, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर जिसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है तो इसका इक्वेशन ये है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है कल, इसको अगर अपन ओपन करेंगे, ये जेई के लिए यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द जेई क्वेश्चंस क्वेश्चंस में ऐसे इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। जैसे ये इक्वेशन होती है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जेई के लिए यूज किया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेई क्वेश्चंस सीधे इस इक्वेशन को यूज कर कर अच्छे से बन सकते हैं। जैसे अगर इसमें अपन को सेंटर निकालना है तो आप इसको नोट जरूर करना। जैसे इसका सेंटर निकालना है तो सेंटर होगा इसका माइनस
जी कॉमा माइनस एफ, ये इसका सेंटर होगा। और अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो रेडियस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अंडर अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसका सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस हो गई इसकी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, इसको मतलब मोस्ट आप अच्छे से इम्पोर्टेंट समझ के इसको याद करना। और ये वाली कुछ इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे सीधा इसी इक्वेशन से बन जाएंगे, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन इसी इक्वेशन में डाल के। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज में दो तीन क्वेश्चंस हैं जिसको जिन क्वेश्चंस को मैं इस इक्वेशन से भी करके दिखाऊंगा और इस इक्वेशन से भी करके दिखाऊंगा, दोनों इक्वेशन से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपन अब स्टार्ट करते हैं अपन अपने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें दिया है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस आर। तो इसमें बोला गया है कि इसका सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस जो है वो आर है, इसका रेडियस आर है। तो इसको इसकी अपन को इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन के लिए अपन करेंगे एक्स जो है अपना एक्स की इसकी जो पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इसका यूज करेंगे अपन, एक्स माइनस एस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस जीरो क्योंकि इसका सेंटर जीरो है इस टाइम पे, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको अपन ओपन करेंगे तो जीरो तो कुछ भी नहीं है, तो इसका यूज तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इस सर्कल की इक्वेशन हो गई डायरेक्ट। और अगर इसका यूज इस तरह से करें तो इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये वाली अपनी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इक्वल टू सॉरी माइनस प्लस सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा देता हूँ, प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसका सेंटर जो है अपना था क्या, 0 0 और इस इक्वेशन का सर्कल होता है माइनस जी कॉमा एफ माइनस एफ। तो इसमें अपन जी और एफ का वैल्यू रख देंगे, मतलब माइनस जी का वैल्यू है 0 और माइनस एफ का भी वैल्यू 0। तो इसको अपन इस तरह रखें प्लस टू, जो माइनस जी था जो जी है तब उसका 0 ही होगा, माइनस जी और जी जी दोनों सेम ही है यहाँ पे, टू ये भी 0 ये वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हाँ, अगर इसको अपन को इसका रेडियस भी निकालना है। अब ये तो हो गया, ये अब यहाँ पर अपने पास ये सी एक वेरिएबल है, सी कोई रेडियस नहीं है, सी एक वेरिएबल है अभी। तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी हो गया। तो इसकी रेडियस निकालेंगे अपन, तो इसकी ठीक है, इसकी रेडियस दी गई है आर, इसका यहां से अपन सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस सी, आर अपने को दिया गया है तो इसका ये तो 0 हो जाएगा दोनों। और इस अंडर रूट को इधर पलटेंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, यानी कि सी जो है उसका वैल्यू है माइनस ऑफ आर स्क्वायर। तो अपना फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि अपना पुरानी वाली इक्वेशन के इक्वल था। पुरानी वाली इक्वेशन क्या आई थी अपनी, हाँ पुरानी वाली इक्वेशन क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अपन इस आर को इधर ले जाएंगे तो ये साइन चेंज करके आएगा, साइन चेंज के आएगा तो दोनों की इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो अपन
इक्वेशन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अपन अब कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन में जो पहली वाली इक्वेशन थी जो एनसीईआरटी में मेंशन है उससे निकालना ज्यादा सिंपल था, हमारी वाली से जो मैंने बताई है उससे थोड़ा सा टफ है। तो दोनों का यूज कर सकते हैं, कभी कभी पहली वाली ज्यादा आसान होगी कभी कभी दूसरी वाली आसान ज्यादा होगी। तो जैसे अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -3.2 एंड रेडियस 4। ओके, तो इसका सर्कल सेंटर है -3, -2 एंड रेडियस है 4। ओके, तो इसको अपन पहली वाली इक्वेशन से ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि जो सेकंड वाली यूज करेंगे तो उससे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो एक्स माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस -2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ। अरे फिर यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये जाएगा 16। तो x प्लस 3 क्योंकि माइनस माइनस जो हो गए x अकॉर्डिंग टू द बॉटम ऑफ रूल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y प्लस 2 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये अपनी इक्वेशन हो गई। इसको अगर आप ओपन करोगे पूरा तो ये सेकंड फॉर्म में भी आ जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस, सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये वाला क्वेश्चन अब अपनी सेकंड वाली इक्वेशन से हो जाएगा सिंपल। ऐसे एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अपनी पहली वाली इक्वेशन क्या थी जो मैंने बताई थी जी स्पेशल वाली, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये है तो सेंटर इसका -g, -f होगा और रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो अपन को इसमें निकालना क्या है? फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। तो अपन इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे इसको अपन लिखे हैं अपने इक्वेशन फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अपन को इसमें से 2 बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि वो उस इक्वेशन में 2gx था। तो 2 बाहर निकालेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस 2 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें था माइनस g, अब ये g है तो अपना सेंटर क्या होगा? माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस एफ। ये है जी, नॉट अ माइनस जी, ये जी है, ये है एफ। तो इसका माइनस साइन लेना पड़ेगा, मतलब इसका सेंटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4, -5। अब इसी से अगर अपन रेडियस निकालना चाहें, जैसे इसकी रेडियस अपन निकालना चाहें, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये इसका रेडियस का फॉर्मूला था। रेडियस के फॉर्मूले से अपन निकाले अगर तो 4 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पर साइन ऑफ जाता है तो इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, माइनस सी। सी का वैल्यू क्या था अपनी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन? ये 8। इसको निकाला जाए तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25 माइनस 8। ओके, तो ये कितना होता है अगर आप ऐड करेंगे 16 और 25? 31 माइनस 8। ओके, सॉरी फॉर द मिस, ये यहाँ पर माइनस साइन था तो अपन इसको यहाँ पर प्लस साइन ले क्योंकि ये माइनस है। यहाँ पर सी का वैल्यू अपना जो है -8 है, इसलिए अपन को यहाँ पर माइनस माइनस साइन जो होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रूल ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 7।
यानी कि अपनी रेडियस जो आई 7 आ गई। तो अपन अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, माइनस 4 का मास रेडियस हो गया 7। ठीक है, अब ये हो गए अपने। अच्छा हाँ, एक एग्जांपल और बचा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4 हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन एक्स को x + y = 2। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल है आपके पास, वो सर्कल -2, -2 से पास कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4। मतलब एक सर्कल है, ये 2, -2 और 3, 4 से पास कर रहा है, और इसका जो सेंटर है, जैसे ये एक सर्कल है, ये कहीं इसका -2, -2 होगा, ये कहीं 3, 4 होगा, और इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर है। वो लाइन क्या है? x + y = 2। ये इसका सेंटर कहीं इस लाइन पर होगा, जो ऐसे अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये लाइन बनाएंगे ना, तो कहीं ऐसे लाइन बनेगी ये, मतलब ऐसा कहीं लाइन होगा ये ऐसा, क्योंकि इसकी स्लोप 1 है। तो इस लाइन पर कहीं कहीं पे भी ये एक का सेंटर हो सकता है, उसके चार और उसके चारों बगल एक सेंटर हो, सर्कल होगा, वो इन इन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसके लिए अपन ने यूज करा है कि इसका फर्स्ट इक्वेशन का यूज करा है, जो x - h h² + y - k² = r² था। तो इसमें अपने क्या करा कि अगर ये इस सेंटर का पार्ट है, मतलब सर्कल का पार्ट है ये दोनों पॉइंट, तो ये इस सर्कल के इक्वेशन में भी पास कर, मतलब इस इक्वेशन में रखेंगे तो 0 आएगा, यानी कि इसकी जो इसका पेरीमीटर होगा उसके रेंज में आएगा। तो अगर अपन को इसको ऐसे रखें 2 - h² + -2 - k² = r², ये इस लाइन पर रखेंगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है दोनों, वो इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ओके, समझा? तो ऐसे ही अपन दूसरे पॉइंट के लिए भी कर लेंगे, 3 - h² + 4 - k² = r², ये हो गया। तो और इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर था, यानी कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट रखेंगे तो 0 आना चाहिए। यानी कि अगर अपन यहाँ पर इसका सेंटर लेट कर रहे थे h, k, और इसका रेडियस जो लेट करा था वो r लेट करा था, ओके, तो इसका सेंटर रखा था h और k, तो ये h और k इस लाइन पर भी होंगे, ओके, ये इस लाइन पर भी होंगे। तो एक अपन अपने पास यहाँ पर 3 इक्वेशन आ गई। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे, जैसे आप इस सॉल्व इसको ओपन करें, ओपन करेंगे तो 4 h + 4 h + 4 h + k² = r², तो ये ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। एक ऐसे ही इसका सेकंड इक्वेशन बनेगा, सेकंड इक्वेशन कैसा बनेगा, 9 + h² - 6h + 16 + k² - 8k = r², क्योंकि रेडियस दोनों की सेम होगी। अब इसको अपन पहली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दें, तो ये वाले टर्म कट जाएंगे, ये टर्म कट जाएगा, r² कट जाएगा पूरा, ये इसके कॉन्स्टेंट्स कट जाएंगे कुछ कुछ ऐसे, ये इसको अपन माइनस कर रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन में से, तो ये हो जाएगा 5, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2h,
इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 12, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 12 के इक्वल टू 0। तो इससे एक इक्वेशन आ गई, क्या इक्वेशन आ गई, ये आ गई माइनस ऑफ 2h माइनस 12 के इक्वल टू माइनस ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ 17। और इसमें से माइनस माइनस सब कैंसिल कर सकते हैं अपन। ये इक्वेशन है एच प्लस के इक्वल टू 2, ये भी इक्वेशन है। तो अपन एच और के का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे एकदम, जैसे अपन ने 10th क्लास में सॉल्व करने की विधि पढ़ी थी, जैसे छोटे लोग एलिमिनेशन मेथड, उस तरह से इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा, ये 10 के इक्वल टू ये हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, के इक्वल टू 1.3 हो जाएगा। जैसे ये के इक्वल टू 1.3 हो गया, ऐसे ही इससे एच इक्वल इस इक्वेशन में रख देंगे के का वैल्यू तो एच इक्वल टू 0.7 आ जाएगा। एंड इस मतलब एच और के अपन के पास आ गए तो अपन आर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक एक जो पॉइंट है अपने पास ये 2, -2 और 3, 4, ये इस सर्कल पर लाई कर रहा है, तो एक्स को -0.7 होल स्क्वायर और वाई -1.3 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था, तो अपन एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, वाई की जगह पर -2 रखेंगे, तो अकेला एक कांस्टेंट आर बचेगा, तो आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अपना 12.58, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जैसा कि आपने मतलब ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, मैंने एकदम अच्छे से समझाया। अब ये क्वेश्चन है वेरी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है 10.1 में, ऐसे इसका पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि सेंटर आपको दिया गया है, सेंटर प्रोवाइडेड है, सेंटर प्रोवाइडेड है 0.2 और रेडियस प्रोवाइडेड है 2, हो गया। तो सेंटर है 0.2 और रेडियस है 2, ओके। तो इसको इसके लिए अपन को एक इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन, इक्वेशन निकालेंगे इस इक्वेशन का यूज करके, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका अपन यूज करें तो x की जगह पर कुछ नहीं और y h अपना जो 0 है प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r क्या है 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये अपनी एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। जैसे अब फोर्थ वाला क्वेश्चन यूज करें अपन, ओके बाकी तो सब सिंपल है, फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये था अपना कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन फोर्थ वाला क्वेश्चन यूज मतलब फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, आप अगर h पर -2 और k पर 3 और रेडियस पर 4 रखते हैं, r की वैल्यू 4 रखते हैं, तो एकदम आपका आसानी से एकदम मक्खन जैसा ये इक्वेशन आ जाएगा। तो अपन अब यूज करेंगे, अब क्वेश्चन ले रहे हैं अपन फोर्थ नंबर का, सेंटर है 1.1, रेडियस है √2। अब आपको जैसे √2 ऐसे चीजों से देखें, रेशनल चीजों को देख के घबराना नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल होती है, आपको बस भरमाने के लिए दी जाती है। तो ये रेडियस इसका सेंटर है, तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्स माइनस एच था ना, तो एच की जगह 1 रख दिया तो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के था, के की जगह 1 रख दिया इसका होल स्क्वायर √2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस अपना आर था तो आर का होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपना 2। ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर आपको और अच्छे से चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए जो इधर दिया है, तो इसको आप स्क्वायर का यूज करके, मतलब स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका यूज करके इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लिखूं, इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2
टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इक्वल टू टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वन और वन टू हो जाएगा, तो ये टू से एकदम से ये कट जाएगा, अंडरस्टैंड? ओके, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी क्या, प्लस सॉरी माइनस माइनस टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। ओके, ये इसकी इक्वेशन है। अगर आप इसको प्लॉट करके देखें, प्लॉट करने में भी बहुत मजा आया है। ओके, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही इसका, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा समझ नहीं आ, तो उसमें आप एक तरह से एक कोई डायग्राम बना के इसका अच्छे से देख समझ सकते हैं। जैसे इसका अपन लेट करें कि ये वन है, ये भी वन है, ये वन है, ये वन है, अपना सेंटर था वन कोमा वन, तो ये इस ये जगह पर सेंटर होगा, और रूट टू जो कि वन कोमा वन से जीरो मतलब ओरिजिन को रखे हैं, तो इसकी डिस्टेंस रूट टू ही आती है, तो ये एक ऐसा सर्कल होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा है। इसको अच्छे से और बनाए अपन, तो अपन इसको क्योंकि मेरा अभी अच्छे से डायग्राम बन नहीं पा रहा है, उसे एक सर्कल है, ये जो है कहीं ये ओरिजिन से पास करेगा जीरो कॉमा जीरो से, इसका जो सेंटर होगा ये होगा वन कॉमा वन, इसका जो रेडियस होगा ये होगा रूट टू। ओके, समझ गए? ये इस तरह से अपन आप इसको डिस्क्राइब भी कर, ठीक है? ओके, अब अपन आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है, इसमें ए और बी दे रखे हैं, रेडियस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको अपन कोई नहीं, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। जैसे अपना सी क्या है, सी है माइनस ऑफ ए कॉमा माइनस बी, और रेडियस है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी अपन को इक्वेशन लिखना है, तो एक्स माइनस माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या था, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी, माइनस बी था ना, माइनस इसका अंडर रूट लगा हुआ था और आर पे स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन आ गई बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम मक्खन तरीके से आ गई है आपकी इक्वेशन। ओके, चलो अब अपन ने बहुत सारा चीज पढ़ लिया है, अपन अब अपना जो सिक्स टू नाइन्थ वाले क्वेश्चन है, सिक्स टू नाइन्थ वाले उनको देख, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिक्स वाले क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ये दिया गया है, तो अपन को फाइंड क्या करना है, सेंटर और रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, तो ये तो अपन को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या था, माइनस ऑफ एच था ना, यहाँ पर क्या था, माइनस ऑफ के था, तो इसमें अपन एच को क्या लिख सकते हैं, एच हो सकता है माइनस फाइव, के क्या होगा, के हो जाएगा थ्री, ये अपना सेंटर आ गया, क्या आ गया सेंटर, इक्वल टू माइनस फाइव कॉमा थ्री, ये अपना सेंटर आ गया, और रेडियस, रेडियस क्या था, इधर आर स्क्वायर होता था ना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36 है अपने पास, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 यानी कि 6 आ जाएगा आर, तो ये अपने पास एक फर्स्ट सिक्स वाला क्वेश्चन हो गया, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। ये जगह थोड़ा सा खाली बच रहा है, तो इसमें अपन सेवंथ क्वेश्चन कर लेते हैं।
सेवंथ क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। ओके, इसका अपन को सेंटर निकालना है। सेंटर इसको अपन अगर जो अपनी सेकंड वाली जो इक्वेशन थी मैंने बताई थी आपको का यूज करें तो सेंटर क्या होता था, माइनस एफ माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यही होता था। तो इसको अपन अगर इस फॉर्म में लेके आए तो माइनस फोर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस फोर एक्स को लिख सकते हैं टू इंटू माइनस टू इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, प्लस करा के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे जी का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, जी का वैल्यू आ जाएगा टू एंड एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी हिसाब से एफ का वैल्यू आ जाएगा फोर। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई तो आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस क्या आएगी, टू का स्क्वायर फोर आता है, अब फोर का स्क्वायर 16 होता है, माइनस ऑफ सी क्या है, सी है 45, तो माइनस ऑफ माइनस 45 कर देंगे तो 16 प्लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस 45 हो जाएगा, 20 प्लस 45 कितना होता है 65, अंडर रूट ऑफ 65। ये इसका रेडियस और सेंटर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही ये सी वाला क्वेश्चन है, एट्थ वाला क्वेश्चन सिंपल एकदम इसी तरह से। इसमें बस जो f होगा वो माइनस में आएगा, माइनस 5 एंड इसका जो सॉरी जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस 5 इसमें, और x कोऑर्डिनेट होगा 4। और रेडियस अपन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस फॉर्मूले से अपन इसकी रेडियस निकाल ही लेंगे आसानी से। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ये एक होमवर्क की तरह है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अब नाइन्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, टू वाई स्क्वायर है माइनस एक्स है, तो अपन इसमें क्या करें, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उसमें तो टू होता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करें अपन। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि इसमें टू से डिवाइड दे दो, टू से डिवाइड दे दो दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस में, और एल एच एस में तो जीरो है तो इसको डिवाइड भी देंगे मल्टीप्लाई कर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राइट साइड में तो फर्क पड़ेगा, लेफ्ट साइड में तो आपको फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये आसान हो जाए, टू से टू गया ये भाग गया माइनस एक्स एक्स बाई टू। तो अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई, अब इसकी इक्वेशन हो गई ये इक्वल टू जीरो हो गई इक्वेशन। तो इसमें कुछ टर्म गायब है, जैसे वाई का टर्म गायब है, सी भी नहीं है। अगर किसी इक्वेशन में सी नहीं है, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप स्टार बना के लिख सकते हैं, अगर किसी इक्वेशन में सी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सर्कल कहाँ से पास करेगा, वो हमेशा हमेशा ओरिजन मतलब 0,0 से ही पास करेगा। ओके, ये आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं अपने नोट्स बनाकर, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। तो अपनी इक्वेशन क्या थी, इसको अपन थोड़ा सा और पूरा अच्छा कर लें, माइनस एक्स बाई टू था ना, तो इसमें वाई का कोऑर्डिनेट नहीं है, सी भी नहीं है, तो ऊपर को पता लग गया कि ये 0,0 से पास करेगा हमेशा। इसको अपन इस तरह से लिखे हैं प्लस जी एक्स के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टू और बाहर निकालेंगे तो एक्स वाई फोर हो जाएगा, तो जी को अपन कैसे लिख सकते हैं, जी हो जाएगा 1/4, यानी कि इसका जो सेंटर है दैट इज गॉन। ओके सॉरी, माइनस जी था ना, जी का वैल्यू तो माइनस ऑफ 1/2 आया था, कि माइनस जी जो इसका सेंटर था, मतलब ये आ जाएगा 1/4,0। ओके, क्योंकि वाई का टर्म है ही नहीं इसमें, जीरो ही होगा, और इसकी रेडियस निकालना है तो 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 यानी कि 1/4 ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि ये 1/4 पर कहीं ये 1/4 लेट कर लो, इस यहाँ पर इसका सेंटर है और ये 0,0 से पास कर रहा है, इसकी ऐसी इक्वेशन है x एक्सिस पे। ओके, क्योंकि इसमें 0 y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो ये x एक्सिस वाला सेंटर है, सर्कल है सॉरी। अब अपन आते हैं 10th क्वेश्चन पे, ये आए आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसमें आपको
कुछ एक स्टेटमेंट दिया होगा तो आपको फाइंड करना है। स्टेटमेंट इस प्रकार से होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द 4,1 एंड 6,5 एंड द हुज सेंटर इज लाई ऑन द लाइन 4x + y = 16। यानी कि जो अपना जो सर्कल है, सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? 4,1 और 6,5 से, ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, और इसका जो सर्कल है, सॉरी सेंटर है, सेंटर इस लाइन पर है, 4x + y = 16 इस लाइन पर है। तो जैसा कि एक सेम क्वेश्चन हमने पहले करा था कि h स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, 4 - h होल स्क्वायर + 1 - k होल स्क्वायर = r स्क्वायर, 6 - h होल स्क्वायर + 5 - k होल स्क्वायर = r स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ओपन करोगे, उसके बाद इस किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी माइनस कर दोगे, तो एक आपके पास एक रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी। उस रिजल्टेंट इक्वेशन लेट करो कि आया ax + by = c, इस टाइप का कोई इक्वेशन आया इसको सॉल्व करने के बाद। तो और अपने ये इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन अपने पास पहले से है, 4x + y = 16, ये इक्वेशन आपके पास पहले से है। तो इन दोनों को अगर आप एलिमिनेशन मेथड से शायद माइनस कर दोगे या फिर प्लस कर दो, कुछ भी कर दो जैसा आप उचित समझे, तो उस हिसाब से आपकी क्या वैल्यू आ जाएंगी, आपकी वैल्यू आ जाएंगी सी की वैल्यू आ जाएगी, और सॉरी सी की नहीं, आपके पास वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई की। जहां पर एक्स और वाई क्या है, एक्स का वैल्यू अपन ने एच करा है और वाई क्या है, के, ये है ना। तो इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 2,3 एंड -1,1 एंड हुज सेंटर इज ऑन लाइन ये। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एकदम एकदम सेम क्वेश्चन है। वेट अ मिनट, लेट मी चेक इट्स ओपन, माय माइक इज ओपन, ऑन माय माइक इज ओपन, चेक करना पड़ता है। पता नहीं कभी कभी डिवाइस है बंद हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ओके, ये जो क्वेश्चन है 11th वाला, तो 11th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, सेंटर जो है 2,3 दिया है, सॉरी सेंटर जो है सॉरी सॉरी जो सर्कल है जो 2,3 एंड -1,1 से पास कर रहा है, और जो उसका सेंटर है s - 3y - 11 इस लाइन पर है। तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको एक सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसको आपको, इसको मैं अभी करा नहीं रहा हूँ, ये आप खुद करना। आप फील करोगे इसको करने के बाद कि आपको अच्छे से आ गया है सर्कल, तो आप इसको खुद करना है। ओके, एकदम सेम सिमिलर क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बस एक अच्छे से एक ट्राई मार। जैसा कि अब 12th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 12th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखता है, तो इसे करेंगे अपन। तो ये आया अपना 12th वाला क्वेश्चन, 12th वाला क्वेश्चन आया। तो 12th वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस। इस बार क्या दे दिया, इस बार सीधा का सीधा आपको रेडियस दे दिया। रेडियस मतलब आपके लिए और ज्यादा सरलता हो गई कि आपको रेडियस दे दिया है, आपको बस इसके अरे यार तो डिवाइस है, मैं इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, बट आपके लिए मैं यही कर रहा हूँ, कुछ r = 5 है, r = 5 है, सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या है, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको अपन सी को अपन ऐसे रख सकते हैं, h, 0। एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब है कि यहाँ पे होगा इसका सेंटर,
कहीं भी, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, तो जीरो लेट कर दो, एक्स कोमा जीरो लेट कर दो। और चीज क्या दी गई है, और दिया गया है कि पासेस थ्रू द पॉइंट 2.3, मतलब ये उसका सर्कल है वो 2.3 से भी पास कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एच माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें के तो है नहीं, के तो जीरो है, इसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की जगह अपन को दिया गया है 5 स्क्वायर यानी कि 25, तो अपन को केवल और केवल इसमें एच निकालना है, तो एक्स माइनस एच। अब इसमें एक्स की जगह पर अपन अपन यहाँ पर 2 रख देंगे, ओके, ये 2 रखा, 2-3 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी एच, ये एच था ना, और 3 स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 9 इक्वल टू 25, तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको, 9 को इधर जाएगा, इधर की जाएगा तो माइनस साइन आएगा, जाएगा 16, इसको भी ले जाएंगे ये हो जाएगा 14, h को कॉमा ले लेंगे तो h माइनस 4 इक्वल टू 14 आया, तो एक वैल्यू आएगी h की 0, दूसरी सॉरी इसमें अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, इसकी एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। जैसे ये है एच स्क्वायर माइनस जो 4h प्लस 9 इक्वल टू 25 था, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस 4h इक्वल टू क्या, इक्वल टू 14, इक्वल टू 14, तो इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 4h माइनस 14 इक्वल टू 0, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आप कैसे सॉल्व करोगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है माइनस इज द कर्सर, ओके, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या था ये फॉर्मूला था 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके अपन एच की वैल्यू निकाल लें, ओके, एच की वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आप इसको करना है। अब अगला क्वेश्चन आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट पूछ रहा है, इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी अपन को पता लगाना पड़ेगा। तो 13 क्वेश्चन है के पासिंग थ्रो 0,0, मतलब सर्कल जो है 0,0 से पास कर रहा है, यानी कि इसमें सी नहीं होगा जैसा कि अपन ने पहले बताया था, इसलिए अपन को एक एडवांटेज मिल गया है कि अपन इसकी इक्वेशन देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy इक्वल टू 0, ये अपन को एडवांटेज मिल गया है कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बिना सी के कोई झंझट के। और क्या कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट ए एंड बी है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि अगर कोई सा भी डायग्राम ऐसे कोई सा भी डिजाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है एक्स और वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इसने यहाँ पे कट करा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी इसकी इंटरसेप्ट, और ये भी होगा इसका इंटरसेप्ट, ओके। तो अपन अपने डायग्राम अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसका डायग्राम बनाते हैं, ये एक्सेस ले लिया, ये वाई एक्सेस ले लिया, और ये जो है यहाँ से पास करेगा 0,0 से, ये हो जाएगा अपन पास ए, ये है बी, और ये कहीं सेंटर है, और ये 0,0 से पास करना है, ओके। तो अपन इसको कैसे करें, तो अपन इसकी एक मतलब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये होगा क्या 0,b, क्योंकि ये तो एक्सेस 0 है, ये b है, डिस्टेंस होती है ना यहाँ तक की, तो ये 0,b है, ये है 1,0, तो अपने पास क्या मिल गया, अपन को मिल गया कि एक सर्कल है वो 1,0 से पास कर रहा है और 0,b से पास कर रहा है, और
0.0 से भी पास कर रहा है। ये तीन चीजें मिल गई अपन को, ओके। तो तीन चीजें मिल गई, तो इसको अपन को कैसे निकालना है? अपन निकालेंगे इसे ऐसे के इसको इक्वेशन निकाल लिया था हमने, तो इस इक्वेशन में अगर आप इस इक्वेशन में रखना चाहे तो इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस इक्वेशन में रखेंगे तो ना 0.0 से पास कर रहा था अपना सर्कल, तो उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी के ओके। तो इसमें ए रख दीजिए, ए और 0, तो ए स्क्वायर प्लस 2ga इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन हो गई, एक हो गई बी स्क्वायर प्लस 2fb इक्वल टू 0, ये एक ये इक्वेशन हो गई, ओके। तो इससे आपको a की वैल्यू आ जाएगी, a कॉमन ले लेंगे पहली वाली इक्वेशन में से, a कॉमन लिया तो a प्लस 2g इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि a का वैल्यू 0 आ जाएगा, और क्या आएगा, a का वैल्यू माइनस ऑफ 2g, ओके। और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 0 आ जाएगा, b का वैल्यू माइनस ऑफ 2f आ जाएगा, ओके। ये आपकी इक्वेशन हो गई, अंडरस्टैंड? तो इसको अपन इस इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं। अब a और b तो दिया गया था, इसमें से अपन को g निकालना है, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई माइनस ऑफ a बाई 2, और f का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ b बाई 2, ये हो गया, ओके। तो अपन इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस 2, g का वैल्यू क्या था, g का वैल्यू अपन ने निकाला था माइनस ऑफ a बाई 2, तो ये माइनस ऑफ a बाई 2 x माइनस सॉरी प्लस, ये भी प्लस होगा, 2 ऑफ माइनस b बाई 2 y इक्वल टू 0, ओके। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस a x सॉरी माइनस a x माइनस b x 0, ये अपनी इक्वेशन हो गई, समझ गए सब? तो अगर अपन पहली वाली इक्वेशन को यूज करते जो स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती थी, लेकिन अपन ने इस इक्वेशन का यूज करा और एक प्रॉपर्टी का यूज करा कि अगर c 0 है तो ये एक 0 ओरिजिन से पास करेगा, तो इन दोनों की सहायता से हेल्प से अपन ने इतनी जल्दी से अपनी इक्वेशन निकाल दी। ऐसे ही अपन अगर 14th वाला क्वेश्चन देखें, 14th वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, इसमें सेंटर दे रखा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4.5, क्या दे रखा है, एक सेंटर दे रखा है और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है ये सर्कल, टोटल सर्कल, मतलब इसकी इक्वेशन निकालना चाहें तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ पर अपन को r नहीं पता है, तो r के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें पास कर रहा है, यानी कि इस ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें इस पॉइंट को रख देंगे तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे r स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 विच इज अंडर रूट ऑफ 13, ये इसका रेडियस हो जाएगा, और इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे अपन तो ये हो जाएगा इक्वेशन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 13, क्योंकि अपन को r स्क्वायर करना पड़ता है, इसलिए r स्क्वायर करेंगे तो 13 आ जाएगा, ओके। ये हो गया आप अपना 14th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन क्या है, डज द पॉइंट, क्या डज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, माइनस 2.5 कॉमा 3.5, ओके, ये पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मतलब चेक करना है अपन को इनसाइड है या आउटसाइड,
अब इसके लिए मैं आपको एक जेई वाला कॉन्सेप्ट बताऊं कि जेई वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर कोई सी इक्वेशन दी गई है, जैसे ये इक्वेशन दी गई है, मैंने बस इस 25 को इधर रख दिया है, तो बोर्ड मार्क्स से ये माइनस हो जाएगा। तो अगर कोई सा इक्वेशन दी गई है, अपन को चेक करना है कि ये बाहर है इस सर्कल के या अंदर है, तो इसको अपन कैसे चेक करें? इसको सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का कि इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो, तुरंत रख दो जो भी दिया गया है, क्योंकि तो मैं माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस को ले लिया, ठीक है ले लिया आप, लेता है 3.5 का स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ 25 इक्वल टू 0, इस पॉइंट को रख दीजिए, तो ये कितना आएगा 6.25 प्लस 12.25 माइनस 25, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, और 6 और 12 कितना होता है 18, 18.5 माइनस 25 इक्वल टू 0। अब अपन देख सकते हैं कि ये छोटा नंबर है और माइनस वाला बड़ा है, तो कुछ लेस देन 0 ही वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू जो होगी ये लेस देन 0 ही होगी, तो ये कुछ नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव होगा। तो अब आपको लिखना है कुछ चीजें, अब आपको नोट करनी है कि पहली चीज नोट करें कि इफ अ पॉइंट पॉइंट इज इनसाइड इनसाइड ऑफ द सर्कल सर्कल देन एस वन लेस देन 0। अब आप पूछो कि एस वन क्या है, तो एस वन क्या होता है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है, जैसे अपने पास इक्वेशन क्या दी गई थी ये, तो इसमें अब अपनी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आए, जैसे एक्स एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी अपने पास माइनस ऑफ 2.5 और 3.5, तो इसमें आप पुट कर देंगे, तो ये अगर नेगेटिव आता है, ये पूरा एस वन है, तो अगर नेगेटिव आता है तो ये इनसाइड है, अगर ये पॉजिटिव आता है, इफ पॉजिटिव देन आउटसाइड, इफ इक्वल टू 0, इफ एस वन इक्वल टू 0 देन इट्स ऑन द सर्कल, मतलब अगर 0 आ जाए एस वन तो ये सर्कल के ऊपर ही होगा, यानी कि इसकी पेरीमीटर पे होगा, इसकी परिधि पर होगा ये पॉइंट। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि तो ये आपके बहुत काम आने वाली है, ये दो तीन चीजें नोट कर लीजिए, तीन चीज, ये तीन पॉइंट थे ना, इस तीन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, आपके जेई जर्नी में भी काम आएंगे, क्योंकि ये जो जब आप थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो एस वन का यूज बहुत बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा होता है, कभी आपको टेंजेंट निकालनी है इसकी, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी टेंजेंट निकालिए यहाँ से, तो एस वन का यूज वहां पे भी होता है, तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। बट अब इस एक्सरसाइज से बियॉन्ड मैं थोड़े से फॉर्मूले आपको लिखाना चाहता हूँ जो आपके जेई में काम आएंगे, जैसे हाँ एक चीज है कि कभी आपको दी गई है एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल का कॉम्बिनेशन दिया गया, जैसे ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, तीन तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें, तो मैं तीनों कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर ले रहा हूँ, एक तो मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी टच करते हुए एकदम, अब ऐसे एकदम टच करते हुए, एक स्ट्रेट लाइन मान लो बाहर से आ गई, एक स्ट्रेट लाइन इसके अंदर भी हो सकती, तीन तरह के केस हो सकते हैं इसमें। तो अगर मान लीजिए ये जो इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस आर है और ये जो है इसकी डिस्टेंस है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस ये क्योंकि परपेंडिकुलर होगी इस सेंटर के, और हाँ एक चीज बता दूं कि जो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन अगर वो मतलब एक सेंटर है उसको इंटरसेक्ट कर रही है, जो वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या फिर टच कर रही है या फिर इसके बाहर है नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो इसको अगर उस लाइन को सेंटर
सेंटर से एक टेंजेंट डाली जाए तो वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा, क्योंकि देखो मैं आपको कहीं से भी डाल के बता देता हूँ, यहां से एक परपेंडिकुलर टेंजेंट डाला, ये है यहां से डाला, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहां से डाला ये भी परपेंडिकुलर हो गया, अगर परपेंडिकुलर है तो ये टेंजेंट होगा, ओके। तो ये यहाँ पर पी, इसकी डिस्टेंस पी मान लेते हैं बात, लेट एक तरीके से, तो अगर अगर पी लेस देन आर हुआ तो ये होगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। अगर पी इक्वल टू आर हुआ तो ये होगा टेंजेंट, अगर पी ग्रेटर आर हुआ तो ये हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग, ओके। यानी कि ये इसमें ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि पी की डिस्टेंस, पी जो है ज्यादा बड़ा है आर से, तो ये एक आपको नोट करने वाली चीजें हैं, ये आपको बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। मैं अभी इस टैब को बंद कर दे रहा हूँ, ये अभी इसका कुछ काम नहीं है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊं, इट्स है ना, ओके, सब कुछ ओके। अभी बड़ी स्क्रीन पर ये तो आपको बड़ी अच्छे से काम, ठीक है। अब दूसरी चीज है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा आपके लिए, टेंजेंट। अगर किसी सर्कल पर मान लीजिए आपको बोला गया कि एक सर्कल है उस पर आपको टेंजेंट डालनी है, क्या डालना है, इस पर आपको एक टेंजेंट डालनी है, तो टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको मतलब सर्कल की इक्वेशन मैंने बताई थी, s इक्वल टू जो भी था, s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें एक मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट डाली गई है इक्वेशन ऑब्टेंड बाय सब्स्टिट्यूशन, t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो एक टेंजेंट डाली गई है, तो मान लीजिए एक पॉइंट से कोई पॉइंट है, इस पर लेट कर लीजिए ये पॉइंट है कोई a कॉमा b या फिर x1 कॉमा y1, ये पॉइंट है, तो इससे इस सर्कल पर एक टेंजेंट डाली गई है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू जीरो मतलब t यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन है, ये क्या होगा, ये होगा आप यहाँ पर इसको भी नोट करें अच्छे से, और इसको मैं इसको नोट करें कि ये इक्वेशन होगी क्या होगी, पॉइंट फॉर्म में, अगर पॉइंट दिया गया है और आपको इक्वेशन निकालनी है, तो x x1 प्लस y y1 माइनस r स्क्वायर, ये इस टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, t हो जाएगा ये, ओके। तो इसको आप अच्छे से नोट करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। ये तो जब है, जब आपका ये सबका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ये एक मतलब नॉर्मल केस के लिए है, जब आप ऐसा इक्वेशन दिया हो गया हो इक्वल टू आर स्क्वायर इस टाइप का इक्वेशन दिया हो गया हो तो ये नॉर्मल है। अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया भयंकर बड़ा वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इसको भी लर्न करना है, तो लर्न करना है कि x x1 प्लस y y1 प्लस x प्लस x1, क्या x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 प्लस c, ये इस टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगा, तो इसको आपको लर्न कर लेना अच्छे से, ओके। और कुछ और मैं चीज बताना चाहूंगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा मतलब जो सर्कल है ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये लेंथ निकालना है, लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, ये हो जाएगा एस वन अंडर रूट ऑफ एस वन। अब टेंजेंट कहीं से भी हो सकती है, मतलब इसको टेंजेंट नहीं कहेंगे बट ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो इसकी लेंथ यहाँ, तो इसकी जो लेंथ है वो
रेडियस के बराबर है, बट अगर थोड़ा सा लंबा होता ये, यहाँ ये वाली इक्वेशन लाइन को यूज करें अपन, तो इसका अंडर रूट ऑफ एस वन इसकी लेंथ हो गई यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी अंडर रूट ऑफ एस वन होगी। अंडर रूट ऑफ एस मतलब एस वन निकालना मैंने आपको बता ही दिया है कैसे निकालते हैं। ओके तो मैं कुछ चीज और बताता हूँ। एक होता है डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक आपको गिवन सर्कल होगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका डायरेक्टर सर्कल क्या है। तो डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो रेडियस है, बाकी सब तो सेम है, मतलब डायरेक्टर सर्कल में क्या है, सेंटर सेम होगा बट रेडियस में डिफरेंस होगा। रेडियस क्या हो जाएगी, रूट टू टाइम ऑफ आर हो जाएगी। अब अपनी प्रेजेंट रेडियस से उसकी रेडियस, प्रेजेंट रेडियस से उसकी रेडियस रूट टू टाइम बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। डायग्राम थोड़ा सा रफ है, सर्कल नहीं है एग्जैक्ट, बट ये इस टाइप का हो जाएगा। ये है डायरेक्टर सर्कल, इसको आप इसको आपको माइंड में रखना है। ओके कुछ चीजें और हैं, मैं आपको उसको भी बताऊंगा। जैसे हाँ एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, कि कहीं आपको दिया गया है मान लो, मतलब आपको मैं तीन टाइप के सर्कल बताऊंगा टचिंग। एक सर्कल ऐसा होगा जो टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, तो उसकी इक्वेशन अपन को डायरेक्ट लिखना है। तो अपन कैसे लिखे, डायरेक्ट लिखना है केवल, तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, सेंटर है। आपको बोल दिया गया है कि एक ऐसा सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टचिंग द एक्स एक्सिस है। ओके टचिंग द एक्स एक्सिस है और इसका जो सेंटर है वो अल्फा गॉम बीटा है। तो इसकी रेडियस मतलब इसका इक्वेशन निकालो, रेडियस दी नहीं गई होगी आपको और आप डिफरेंट मेथड से निकालोगे, मतलब इस टाइप का है कुछ। ये है यहाँ पे सर ये होगा और इसकी अपन रेडियस क्या है ना, ये बीटा लेट कर सकते हैं, ये बीटा था, ये बीटा ही होगा इसकी रेडियस, इसलिए अपन डायरेक्ट बीटा को यूज करेंगे। ये एक जो एक मतलब इक्वेशन ये हो गई अपनी, दूसरी इक्वेशन हुआ जाएंगे टी यू टचिंग वाई एक्सिस। तो सर्कल जो वाई एक्सिस को टच करेगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। इसमें इसका सेंटर हमेशा सेम ही होगा अल्फा कॉमा बीटा, इस बार ये वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो ही इसकी रेडियस होगी। तो यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं। अब थर्ड वाला जो है, आप इसको नोट करते हुए चलें साथ साथ, और अपन शायद अपन नोट नहीं कर पाए हो तो रिवाइंड करके कर सकते। अगर ये दोनों को टच करता है टचिंग अल्फा सॉरी एक्स एंड वाई एक्स, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, या फिर आप बीटा का भी यूज कर सकते हैं, एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। क्योंकि अगर ये दोनों को टच कर रहा है, अगर ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसके अल्फा और बीटा दोनों सेम होंगे, यहाँ पर इसके सेंटर अल्फा इक्वल टू बीटा होगा और रेडियस अपन दोनों किसी को भी ले सकते हैं। तो ये इसकी दो इक्वेशन हो गए। अब मैं आपको और कुछ थोड़ी बहुत और चीजें बताऊंगा। हाँ एक कंसेप्ट इसका यह है कि अगर कोई सर्कल है उसको एक
जीवा जो है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये एक मेजर और एक माइनर दो पार्ट में डिवाइड करती है। और इसमें क्या होगा, मेजर जो होगा, मेजर सेंटर को, सेंटर मतलब मेजर सेंटर की साइड में होगा, मतलब मेजर मेजर पार्ट होगा उसमें सेंटर होगा, और माइनर पार्ट होगा उसमें सेंटर नहीं होगा। ये इसकी मतलब लेंथ हो जाएगी। कुछ चीजें और हैं उनको मैं और बता देता हूँ आपको, तो आपको जेई के कुछ क्वेश्चन है उनको करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर सब प्रॉपर्टीज मैंने कवर कर दी है आपके लिए। तो मैं आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ जितना भी पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग से उसको, उसके बाद मैं आज का रेपअप करूंगा। तो मैंने क्या करा था, एक सर्कल है उसकी इक्वेशन बता दी थी, इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक सेकेंडरी इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, इसमें सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, आर होता है इंटर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका सेंटर होता है जीरो कॉमा जीरो। अगर ये तो शायद एग्जाम्पल था। ओके अगली कुछ प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने इसमें, अगर किसी इक्वेशन में सी नहीं है तो सर्कल हमेशा ओरिजिन जीरो जीरो से पास करेगा, एक इसकी प्रॉपर्टी बताई थी। और एक कुछ प्रॉपर्टी ये बताई थी, इफ अ पॉइंट इज इनसाइड ऑफ द सर्कल देन एस वन ग्रेटर जीरो, एस वन क्या था, एस वन था अगर किसी भी इक्वेशन में उस पॉइंट को जहां से पूछ रहा है कि ये पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो उस पॉइंट को इक्वेशन में रख देंगे तो वो एस वन का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर एक्स वन और एक्स टू पॉइंट पॉइंट थे, एक्स वन और सॉरी एक्स वन कोमा वाई वन, तो अपन ने इस इक्वेशन में रखा तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस टू ट्वेंटी फाइव जो भी आर स्क्वायर था, ये अगर लेस देन जीरो आएगा तो इनसाइड है, अगर आउटसाइड है तो ग्रेटर जीरो आ जाएगा, अगर जीरो आ रहा है तो ऑन द सर्कल है। कुछ प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कि एक टेंजेंट है जो इसको कट कर रही है या फिर टच कर रही है या फिर बिल्कुल टच नहीं कर रही, तो अगर P लेस देन R होगा तो इंटरसेक्टिंग, इक्वल टू R होगा तो टेंजेंट, और ग्रेटर R होगा तो नॉन इंटरसेक्टिंग। ओके और एक टेंजेंट की इक्वेशन भी बताई थी मैंने आपको, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, अगर इस फॉर्म में है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। लेंथ ऑफ द टेंजेंट अंडर रूट ऑफ एस वन होता है, और डायरेक्टर सर्कल, इसमें वहां पे नाम ही लिख देता हूँ डायरेक्टर सर्कल। ये डायरेक्टर सर्कल क्या है, डायरेक्टर सर्कल में क्या होता है, सेंटर सेम होता है बट रेडियस रूट टू टाइम ज्यादा हो जाती है। और कुछ चीजें और बताई थी मैंने, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा बीटा स्क्वायर, टचिंग वाई एक्सिस है तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो इसमें क्या है ना, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस के लिए वाई वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे, जैसे इसमें वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या था, बीटा, अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे, और अगर बोथ को टच कर रहा है, दोनों को x और y दोनों को कर रहा है तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें सेंटर इसके सेम रख देना, या तो अल्फा अल्फा या बीटा बीटा, अल्फा अल्फा रख। ओके और एक चीज मैं बताई थी कि एक सर्कल को किसी भी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन द्वारा काटा जाएगा तो मेजर और माइनर दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो मेजर पार्ट में सेंटर को सेंटर रहेगा उसमें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन है वो मतलब एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक पार्ट सर्कल एक पार्ट है उसमें सर्कल का सेंटर है, तो वो पार्ट क्या होगा, मेजर होगा या माइनर होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर इस यहाँ से इसकी लेंथ भी पूछ सकते हैं, लेंथ पूछेंगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक इसकी इक्वेशन होगी और जीरो जीरो से पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो लाइन होगी हमेशा ये परपेंडिकुलर होगी, ये यहाँ से कहीं भी डालें कोई भी एक लाइन डालेंगे परपेंडिकुलर ही सेंटर से, तो सेंटर से परपेंडिकुलर वाली एक कंडीशन लगा के आप इसकी या फिर इक्वेशन निकाल सकते हैं या फिर किस बहुत कुछ चीजें आप इससे निकाल सकते हैं।
तो ये हमारा आज सर्कल हो गया। तो अगले लेक्चर में आप मैं आपको पैराबोला बताऊंगा। तो पैराबोला की कुछ चीजें मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये पैराबोला था, मैंने क्या बताया था, एक एक कौन था, कौन को अगर अपन ऐसे काटेंगे ताकि पिछला वाला पार्ट ना कटे, केवल आगे वाला पार्ट कटे, तो ये जो पार्ट होगा तो वो ऐसा निकल के आएगा बाहर, वो पैराबोला होता है। तो पैराबोला ये है, ये है क्या, इसमें दो तीन चीजें होती हैं पैराबोला में, जैसे ये पैराबोला है इस, तो ये होगी, ये लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये होता है फोकस, ये होता है वर्टेक्स, और यहाँ पर एक होता है लेटस रेक्टम, ये है लेटस रेक्टम। ओके, तो मैं इसकी डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगा, बस अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि क्या क्या टर्म होती है। ये क्या था, डायरेक्ट्रिक्स, ओके, ये वर्टेक्स, ये फोकस, ओके, और ये जो पैराबोला है आगे इन्फिनिटी की तरफ जाता है, कभी मिलता नहीं है, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, बढ़ती जाएगी वैल्यू। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है।